19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। गहलोत सरकार फिर से अपनी पुरानी परिपाटी पर वापस लौटती नजर आ रही है। जी हाँ, जैसा कि इतिहास रहा है कि गहलोत सरकार में कोई भी अधिकारी नेताओं के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता है, एक बार फिर गहलोत सरकार ने ये प्रमाणित किया है कि अगर उनके राज्य में नेताओं के खिलाफ मुंह खोला गया तो अधिकारियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते दिनों गहलोत सरकार ने करीब 8 एसपीओ का तबादला कर दिया है और इनके पीछे का इतिहास ये रहा कि इन एसपीओ की कुछ न कुछ नोकझोंक या अनबन नेताओं के साथ चल रही थी। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गहलोत सरकार का अब तक का यही इतिहास रहा है कि मंत्री महोदय से टकराने वाले अफसरों को पद से हटना पड़ा है। पूर्व में भी मंत्रियों, विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के निशाने पर रहे आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले होते रहे हैं। राज्य की सियासत में ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है, विवाद पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार जनप्रतिनिधियों का पलड़ा भारी रहा है। विवादों में हमेशा अफसरों को पद से हटना पड़ा है। पूर्व खाद्य मंत्री रमेश मीणा के साथ तानातानी की वजह से आईएएस मुग्धा सिन्हा को अपने पद से हटना पड़ा। पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से टकराने वाले आईएएस एच क्विटे और श्रेया गुहा को भी हटाना पड़ा। आईएएस नरेश पाल गंगवार और मंत्री उदयलाल अंजना के बीच कंट्रोवर्सी हुई तो गंगवार को सहकारिता से हटाकर उद्योग विभाग में लगा दिया गया। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त राजेश यादव और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच काफी समय तक अनबन बनी रही तो सरकार ने राजेश यादव को परिवहन विभाग से ही हटा दिया। एनएचएम के तत्कालीन निदेशक समित शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के बीच नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद समित शर्मा को वहां से हटा दिया गया। इस प्रकार से कई और आईएएस ऑफिसर जिनका गोविंद सिंह डोटासरा के साथ अनबन चलने की वजह से मंजू राजपाल को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। माइंस के मामलों को लेकर खान विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव दिनेश कुमार और मंत्री प्रमोद जैन भाया के बीच विवाद काफी चर्चित रहा, लिहाजा उनका भी 6 माह में ही ट्रांसफर कर दिया गया। मंत्री और विधायकों के निशाने पर रहे आईएएस यज्ञमित्र सिंह देव, डॉक्टर कुंज बिहारी पांड्या, संदेश नायक, हिमांशु गुप्ता, अंशदीप और ओम प्रकाश को अपने तत्कालीन पदों से हटना पड़ा। सीएमओ से लेकर पीएचक्यू तक पहुंची शिकायत मंत्रियों से भिड़ने वाले ब्यूरोक्रेट्स पर अक्सर तबादले की गाज गिरती रहती है। ताजा मामले में सिरोही, नागौर और सवाई माधोपुर एसपी को जनप्रतिनिधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिरोही एसपी शराब माफियों से मिलीभगत के आरोप में विवादित रहे तो सरकार ने उनका तबादला कर दिया, जबकि नागौर एसपी श्वेता धनकर सिंह की सांसद हनुमान बेनीवाल से पटरी नहीं बैठ रही थी। इन अफसरों के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक शिकायतें की गई। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 19।